काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष थी। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की, अनुपमा नाम था, हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है, दरवाज़ा बंद था, बाहर से एंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। अंदर कमरे में एक अंगीठी की राख दिख रही है और देखने में प्रथम दृष्टया आत्महत्या या कोयले की अंगीठी की जो राख है उससे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी मौत हो सकती है। 9:30 बजे के आसपास इनके दोनों मोबाइल फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दिए गए थे और सुबह इनकी मृत्यु हुई है। सर, इनके परिजनों से बात हुई तो क्या कारण बता रहे हैं कि देखिए, अभी तक कहीं से भी कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, और या तो ये सुसाइडल केस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो अंगीठी थी उसकी वजह से कार्बन मोनो की संख्या मात्रा बढ़ी हो और दुखद मौत हो गई हो, इन्हें पता न चल पाया हो। केवल चूंकि मुंह से झाग तीनों के निकला है, उस आधार पर पॉइजनिंग की आशंका बन रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर ही इसमें कुछ संभव हो सकेगा जानना कि वास्तविक कारण क्या थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने आकर के, फील्ड यूनिट की टीम ने सर्वे किया है और फरियाद तैयार की है। जो भी खाने पीने के सामान से लेकर के अन्य सामान थे उन्हें इकट्ठा किया है। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ ये स्पष्ट है कि ये आपराधिक वारदात नहीं है, क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था। सर, जहाँ पे डेड बॉडी है वहाँ पे माता का जो हाथ है वो बच्चे के मुंह पे है, तो इससे क्या है? अब देखिए, कोई संभावना कयास लगाना बहुत उचित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी इससे स्पष्ट हो पाएगी कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। बस इतना स्पष्ट अवश्य है कि कोई आपराधिक वारदात नहीं है। थैंक यू।